ड्राफ्टिंग करने के बाद हमने कटिंग किया है, कटोरी का शेप, क्रॉस पट्टी, आर्मोल, ऐसे तीन पार्ट निकलेंगे, बैक फ्रंट में एक साइड, क्रॉस पट्टी एंड कटोरी। जब भी हम कटोरी ब्लाउज स्टिच करते हैं तो एज इट इज़ ये कटोरी नहीं लगा सकते, इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। एक्सटेंड करने के लिए कोई भी एक पेपर पर पहले एज इट इज़ इसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद साइड से हाफ इंच बढ़ा देना है। ओके, ये जो नेक साइड है स्ट्रेट, यहाँ से डेढ़ इंच 1.5 इंच, मतलब 4 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट जॉइन करना है। बी टू ए का सेंटर निकाला हुआ है, यहाँ हमने सी नाम दिया है। ठीक है, ए टू बी, सी जो है मिड ऑफ ए टू बी, सी ए टू बी का मिड ऑफ है सी। सी से नीचे 4 सेंटीमीटर या डेढ़ इंच, इसे हमने डी नाम दिया हुआ है। डी टू ए, डी टू बी, ये इक्वल आना चाहिए। मेजरमेंट जो है वो इक्वल आना चाहिए, मतलब यहाँ से 4.5 इंच आ रहा है तो यहाँ से भी वही आना चाहिए, तो ही अपना डार्ट पॉइंट प्रॉपर है। जब ये मेजरमेंट सही है तो ए टू डी एंड डी टू बी ज्वाइन करना है। सी टू ई 1.2 सेंटीमीटर अप ऊपर जाएंगे। डी टू एफ एंड डी टू जी, ये 1/4 इंच 3/4 इंच यहाँ से डी टू एफ 3/4 इंच, डी टू जी 3/4 इंच, एफ टू ई जी टू ई, इसे ज्वाइन करना है। ये हमारा डार्ट पॉइंट हो गया, ये टक्स पॉइंट हो जाता है, ये डार्ट पॉइंट हो गया। समझ में आ गया कटोरी कैसे एक्सटेंड की जाती है? फिर एक बार समझा दूँ, स्ट्रेट लाइन से 1.5 इंच एक्सटेंड, यहाँ से ए टू नेक ज्वाइन कर दिया है, साइड से हाफ इंच मीन्स जितना हमारा सिलाई में जाता है उतना ही एक्सटेंड करना है, यहाँ से एक्सटेंड कर दिया,